हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपकमिंग कार्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले XUV 400 के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। महिंद्रा और फोर्ड का जॉइंट वेंचर चार नए एसयूवी पर काम कर रहा है। इसके तहत न्यू जनरेशन महिंद्रा एक्सयूवी 500 और इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित फोर्ड की सी सेगमेंट एसयूवी आएगी। इसके अलावा महिंद्रा एक मिड साइज एसयूवी पर काम कर रहा है जो हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस की टक्कर में होगी। फोर्ड भी इस पर बेस्ट नई बी सेगमेंट एसयूवी लाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट में महिंद्रा और फोर्ड की आने वाली मिड साइज एसयूवी के नए डिटेल सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा की नई मिड साइज एसयूवी को एक्सयूवी 400 नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। महिंद्रा ऐसे 204 कोड नाम वाली एसयूवी कंपनी के लाइनअप में एक्सयूवी 300 और एक्सयूवी 500 के बीच में रहेगी। वहीं इस पर आधारित फोर्ड को एसयूवी का कोड नाम फोर्ड B745 है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों नए एसयूवी महिंद्रा S204 और फोर्ड B745 ज़्यादातर कंपोनेंट्स, फीचर्स और टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे। दोनों में एक ही मोनोकोक फ्रंट व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म होगा। इन एसयूवी में महिंद्रा का G15 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे पिछले साल फरवरी में हुआ ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। यह इंजन 163 bhp की पावर और 280 nm टॉर्क जनरेट करता है। आने वाले BS6 महिंद्रा मिराजो पेट्रोल में भी यह इंजन मिलेगा। महिंद्रा और फोर्ड की इन दोनों मिड साइज एसयूवी में डीजल इंजन का ऑप्शन होगा। डीजल इंजन महिंद्रा मिराजो से लिया जा सकता है जो 1.5 लीटर का है। यह डीजल इंजन 120 bhp की पावर और 300 nm टॉर्क जनरेट करता है। महिंद्रा XUV 400 को साल 2021 की दूसरी छमाई में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस पर आधारित फोर्ड की एसयूवी को 2021 के आखिरी में बाजार में उतारा जा सकता है। हालांकि फोर्ड ने इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली अपडेट्स को जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।